नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तक ईडी की तरफ से 8 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की तरफ से पूछताछ की जानी है, लेकिन अभी तक ये पूछताछ नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में 26 फरवरी यानी सोमवार को ईडी के 7वें समन पर सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। इसके बाद मंगलवार को जांच एजेंसी ने उनको 8वां समन जारी कर 4 मार्च को पेश होने को कहा है। इससे पहले के समन पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा था कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है, इसलिए रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह मोदी सरकार दबाव ना बनाए। इस तरह का जो बयान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था। इसके बाद 29 फरवरी को भी अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की हलचल अब तेज होने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है बीजेपी की तरफ से, और इस बैठक में बड़े नेता शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। इसमें 100 से 120 लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो सकती है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सीनियर लीडर्स शामिल होंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग होगी। सीईसी की मीटिंग के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोर ग्रुप कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें अमित शाह, बीएल संतोष समेत कई जो बड़े मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट छाया हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव यहां पर हुए, लेकिन राज्यसभा चुनाव कांग्रेस हार गई और बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के साथ में साठगांठ कर ली। इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाया गया। इसके साथ ही अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को यहाँ पर काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिली। जहाँ एक तरफ मंत्री विक्रमादित्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य से बातचीत की और इसके बाद शाम ढलते ढलते विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माना जा रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुख्यमंत्री पद छीन सकता है। ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह से चर्चा की है, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव तक सुक्खू सीएम बने रहेंगे। इसके साथ ही डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक विधायक से मिलकर उनकी राय ली। दोनों आज अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजेंगे। ऑब्जर्वर से मिलने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जी हां, अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को दिल्ली तलब किया गया है। यहाँ पर उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होनी है। यूपी के बहुचर्चित अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी कि सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सीबीआई ने आज सपा अध्यक्ष को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया है। ये समन 160 सीआरपीसी के तहत भेजा गया है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव की वजह से उन्हें परेशान करने के लिए ये नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी चुनाव आता है तो नोटिस भेज दिया जाता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सबसे ज्यादा निशाने पर है। 2019 में भी उन्हें किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव था। अब जब चुनाव आ रहा है तो उन्हें फिर से परेशान करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज यानी कि गुरुवार को 17वां दिन है। वहीं दूसरी तरफ शुभकरण सिंह, जो कि किसान आंदोलन में मारे गए, उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि MSP सहित कई मांगों को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जो शंभू बॉर्डर और खनौरी पर मोर्चा चलते हुए 17वां दिन हो गया, और जो हमें कल मालूम हुआ रात लेट नाइट पे, जो शुभकरण सिंह जी हैं, शहीद शुभकरण सिंह जी, उनके बारे में जो हमने कहा था कि FIR दर्ज करो, तो 302-116 धारा लगाकर हमें पुष्टि हुई है उस FIR दर्ज करने की, कि जो भी हरियाणा की ओर से गोली चला रहे लोग हैं उनके ऊपर पर्चा हुआ है। वो उसके बाद जो लेट
हमारे लीडर सब वहाँ रजिंद्रा हॉस्पिटल में थे। कल दिन भर ही बात होती रही तो सारी टीम उधर बिजी रही है। और जो अभी मुझे खबर हो रही है कि अब हम लोग शहीद का पार्थिव शरीर जो खनौरी बॉर्डर पर 9:30 से 10 के बीच लेके जाएंगे और जो उनका गांव बल्लो है वहां पर आज 2 से 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके लिए हम सब लोगों से पंजाबियों से आह्वान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पहुँचे ता जो ये पूरे देश के किसान मजदूर लहर के शहीद को पूरे मान सम्मान से हम अंतिम संस्कार कर सकें। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।